ये देखिए मुख्तार अंसारी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि तूफान कर रहा है, मेरे आज़्म का तवाफ कश्ती समझ रही है, मेरा भंवर में इस तरीके का कमेंट किया है मुख्तार अंसारी ने। और सीधे वैन में शिफ्ट किया गया है। ईडी को 5 दिन के लिए जो फर्दर उनकी कस्टडी बढ़ाई गई थी वो आज पूरी हो रही थी। उस आदेश के अनुपालन में ईडी के विवेचक ने रिमांड में छुट्टी होने के कारण आज रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको पेश किया और फिर से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और 10 तारीख लगाई गई है और वाइस टेस्ट की एप्लीकेशन दी गई है जिसमें सुनवाई के लिए 4 तारीख जिला जज महोदय के समक्ष जो स्पेशल कोर्ट है ईडी के संबंध में वहाँ पर उसके संबंध में सुनवाई होगी। वो देखने को मिली थी और वो जैकेट मुख्तार ने पहनी हुई थी, उसके बाद जो बाकी सामान है उनको बाकायदा उसकी जांच करके प्रिजन वैन में रखा जाएगा। आप देखेंगे बाल्टियां हैं और मध्य कुछ दवाइयां भी हैं साथ में और कई तरह की मुख्तार अंसारी को बीमारी है, दवाई का डिब्बा आप देख यहाँ पर मुख्तार को लाया गया था, वारंटी बना था तो साथ ही समय यहाँ पर आया था तो ये अपना निजी सामान है मुख्तार अंसारी का, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जांच के उनके जरिए उसकी जांच की जा रही है क्योंकि प्रेजेंट वैन में उसको रखना है। आप देखिए ये ब्लैंकेट का बाद एक और बैग है जिसको अंदर मुख्तार अंसारी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि तूफान कर रहा है, मेरे आज़्म का तवाफ कश्ती समझ रही है, मेरा भंवर में इस तरीके का कमेंट किया है मुख्तार अंसारी ने। और सीधे वो देखने को मिली थी और वो जैकेट मुख्तार ने पहनी हुई थी, उसके बाद जो बाकी सामान है उनको बाकायदा उसकी जांच करके प्रिजन वैन में रखा जाएगा। आप देखेंगे बाल्टियां हैं और मध्य कुछ दवाइयां भी हैं साथ में और कई तरह की मुख्तार अंसारी को बीमारी है, दवाई का डिब्बा आप देख यहाँ पर मुख्तार को लाया गया था, वारंटी बना था तो साथ ही समय यहाँ पर आया था तो ये अपना निजी सामान है मुख्तार अंसारी का, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जांच के उनके जरिए उसकी जांच की जा रही है क्योंकि प्रेजेंट वैन में उसको रखना है। आप देखिए ये ब्लैंकेट का बाद एक और बैग है जिसको अंदर में रखते हैं।